ठीक है। सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करी, उस रेसिपी का नाम है मलाई बीफ बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक होती है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर, बहुत ही अच्छा इसका जायका होता है। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मलाई बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमने ले लिया 2 टेबल स्पून चारो मगज, 15 अदद काजू, 1.5 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून हमने तिल लिए हैं, 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 कप दही लिया जिसे हमने अच्छी तरीके से बीट कर लिया। इसमें हमने लिए हैं 12 अदद छोटी बड़ी हरी मिर्चें जिन्हें हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, प्याज हमने लिए है 1 कप और हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जो भी चीजें जाएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते रहेंगे। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बनाने के लिए यहाँ हमने जग लिया, जग के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप प्याज, 12 अदद हरी मिर्चें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही जिसे हमने बीट कर लिया था। अब उसमें ऐड चारों मगज काजू, नमक, तिल और काली मिर्चें। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं चारों मगज काजू, काली मिर्च पाउडर, तिल और नमक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से करेंगे ब्लेंड, क्योंकि हमें पेस्ट तैयार करना है मलाई बीफ बिरयानी बनाने के लिए। थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे हंसबी से तक पानी। हमने तमाम चीज़ें ऐड करनी है, इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मलाई बीफ बिरयानी के लिए हमने एक तेज पत्ता लिया, 1 अदद दालचीनी की स्टिक लिए, 1 अदद में बादियान का फूल लिया, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद हरी इलायची और 6 से 7 अदद लौंग लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हम ऐड करेंगे बॉइल के अंदर। यहाँ हमने बीफ का गोश्त लिया 600 ग्राम जिसे अच्छी तरीके से हमने वॉश कर लिया, इसको एक बॉल में कन्वर्ट कर लिया है। मलाई बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमने पोट लिया, पोट के अंदर हमने 1/2 कप ऑयल डाल दिया, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम खड़ा मसाला, खड़े मसाले इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तमाम के तमाम। इसमें तमाम खड़े मसालों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बीफ का गोश्त 600 ग्राम। देखिए हमने खड़े मसालों के साथ गोश्त को फ्राई कर लिया है, 5 मिनट तक इसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें ऐड कर देंगे हम पेस्ट, बनाने के लिए हमने पेस्ट तैयार कर लिया, इसको हम ऐड करते हैं बीफ के अंदर। इस पेस्ट को हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इस पेस्ट को हमने ऐड कर दिया है गोश्त के अंदर, इसमें ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मलाई बीफ बिरयानी, सबकी मोस्ट फेवरेट। आपने कभी खाई है मलाई बीफ बिरयानी? मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है, बहुत ही अच्छा इसका जायका होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होती है, बहुत ही बिरयानी से हटके है, क्योंकि हम ये कहेंगे मलाई बीफ बिरयानी व्हाइट कलर की तैयार होती है। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमने तमाम चीज़ें इसमें ऐड करी हैं, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, मज़ीद 4 चांद लगेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। इसमें काजू ऐड करें, चारों मगज ऐड करें, इसके अंदर हमने तिल ऐड किए हैं। इस पेस्ट को डालने के बाद हमने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से गोश्त के साथ इसे भून लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमें गोश्त को टेंडर भी तो करना है, क्योंकि हम कुकर में तो पका नहीं रहे, इसलिए हम इसको देखते हुए पका रहे तो टाइम तो लगेगा ही। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे, ताकि अच्छी तरीके से बीफ का गोश्त टेंडर हो जाए। हमने 4 ग्लास पानी इसमें ऐड कर दिया, इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है और इसे हम कवर करके रखेंगे गोश्त गलने तक। हम इसे कुक करेंगे, जब अच्छी तरीके से गोश्त गल जाएगा तो फिर इसको आपको लुक दिखाएंगे, मलाई बीफ बिरयानी का लुक दिखाएंगे हम। 1 घंटे गल लेंगे फिर आपसे मिलते हैं। बीफ बिरयानी के लिए हमने गोश्त को अच्छी तरीके से कुक करने के लिए रखा था, काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका है, इसका मसाला हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ऐड करेंगे काजू का पेस्ट, इसमें ऐड किया तो नीचे लग रहा है, इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। बॉल के अंदर लेंगे क्रीमी चीज़ दे रहे हैं हम 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून क्रीम, 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रहे हैं हम फ्रेश क्रीम, टेट्रा पैक आप किसी ब्रांड की ले सकते हैं। यहाँ मायोनीज ऐड करें 2 टेबल स्पून। अब हम इसे अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। यहाँ देख सकते हैं हमने इसमें क्रीमी चीज़ ऐड कर दी, मायोनीज ऐड कर दी, इसमें हमने टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम ऐड कर दी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्रीमी चीज़, मायोनीज और टेट्रा पैक क्रीम, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे एक मिक्सचर से रेडी हो चुका है, इसको हम ऐड करेंगे मलाई बीफ बिरयानी में। गोश्त भी चेक करवा देते हैं अच्छी तरीके से। ये देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है, ज़्यादा रेशा रेशा होता जा रहा है। बस अब से अच्छी तरीके से भून लिया, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम क्रीमी चीज़, मायोनीज और टेट्रा पैक क्रीम जिसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया था, वो हम ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। 1 से 2 मिनट तक मिक्स करने के बाद हम इसे करेंगे कुक। इसे मिक्स कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं मिक्स कर रहे हैं, इसे देख सकते हैं हम इसे अच्छी तरीके से कर रहे हैं मिक्स। इसे हम करेंगे कुक 2 से 3 मिनट तक,
अच्छी तरीके से हमने कुक कर लिया। बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा डिशेस का फ्लेवर, बहुत ही खूबसूरत का ग्रेवी बनके तैयार हुई है। इसमें हम देंगे कोयले का इसमें ओके ओके मलाई बीफ बिरयानी कोयले के धुएं के बगैर इनकम्प्लीट है। तो इसमें हम देते हैं कोयले का स्मोक और फ्लेम को ऑफ करेंगे, हम देंगे इसमें कोयले का स्मोक। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त में रोगन आ चुका है, मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ प्याली रख दी है, इसके अंदर इसमें ऐड कर देंगे प्री हीट हुआ हुआ कोयला। अब उसमें ऐड करेंगे हसब ज़रूरत हुआ, इसमें लगाएंगे कवर। फिर हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रखना है ताकि कोयले का स्मोक अच्छी तरीके से हो जाए। 5 मिनट की ब्रेक कर फिर आपको दिखाएंगे मलाई बीफ बिरयानी का लुक। मलाई बीफ बिरयानी की ग्रेवी को हमने स्मोक दिया था 5 मिनट का, इसका कवर हटा के आपको इसका लुक दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा स्मोकी स्मोकी फ्लेवर आ चुका है हमारी मलाई बीफ बिरयानी की ग्रेवी के अंदर। इसको हम कर देंगे रिमूव। मलाई बीफ बिरयानी की ग्रेवी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ चुका है, कोयले का स्मोक हो चुका है। अब इसको हम कवर करके रखते हैं और चावलों को करते हैं बॉयल। चावलों को बॉयल करने के लिए हमने 750 ग्राम चावल लिए जिसे हमने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था, उसको हमने बॉयल किया है। 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून लेमन जूस और हसबे ज़रूरत नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया। इसको स्टेंड की मदद से छान भी लिया है। अब इसके लगाएंगे हम लेयर। आधे चावलों को हम निकालेंगे बॉल के अंदर। चावलों को निकाल लिया एक बॉल के अंदर और हाफ चावल हमने इसी के अंदर रहने दिया। इसमें लगाते हैं मलाई बीफ बिरयानी की हम ग्रेवी ऐड करेंगे इसके अंदर। हाफ ऐड करेंगे हम अब हम इसमें दोबारा से बॉयल हुए चावल ऐड करेंगे जो हमने निकाल लिए थे एक बॉल के अंदर। सब फैला लेंगे, कर देंगे ग्रेवी जो हमने तैयार कर ली थी मलाई बीफ बिरयानी की। सदर बारीक कटा हरा धनिया जो हर रेसिपी को चार चांद लगाता है, हसीन बनाता है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिसे भी इसे कट लगा लिया जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा जायका आता है। ये हमने हरा धनिया और हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी जो बहुत ज़्यादा हसीन और दिलकश लगती हैं। और इसमें ऐड करेंगे हम 4 टेबलस्पून घी ताकि अच्छी तरीके से दम पे आ जाए। यहाँ देख सकते हैं हमने 4 टेबलस्पून घी इसमें ऐड कर दिया, इसको हम कवर करके रखते हैं। देख सकते हैं हमने इसे कवर कर दिया है, इसे हम रखेंगे दम पे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट की ब्रेक है फिर आपको दिखाएंगे मलाई बीफ बिरयानी का फाइनल लुक। तो दिल थाम के बैठिए मेरी तरफ। इसके ऊपर हमने कढ़ाई रख दी है, उसके ऊपर हमने कवर कर दिया है। 15 मिनट की ब्रेक है फिर आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक मलाई बीफ बिरयानी का। तो दिल थाम के बैठिए, देख सकते हैं मलाई बीफ बिरयानी का हो चुके हैं 15 मिनट दम पे आ चुके हैं। इसका कवर हटा के आपको उसका लुक दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर कर रहे हैं मिक्स। देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। मलाई बीफ बिरयानी आप खाते रह जाएंगे। हम इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। यहाँ देख सकते हैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, उसको डिश आउट करने का दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। देख सकते हैं मलाई बीफ बिरयानी हो चुकी है कंप्लीट रेडी। से हमने गार्निश करा बारीक खट्टा हरा धनिया के साथ, लेमन के साथ, हरी मिर्च के साथ, सर्व किया है हमने ग्रीन रायते के साथ जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा जायका आता है। क्योंकि इसके साथ मिला के खाएंगे तो क्या ही फ्लेवर आता है मैं बता नहीं सकती। इससे मेरे मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि जब बिरयानी बनती है मेरे से तो भूख कंट्रोल ही नहीं होती। तावा तो मैं बना सकते हैं, किसी इवेंट पे बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप इसको बना सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।